हरियाणा सिविल सर्विस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा सिविल सर्विस 2022 जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है मई 2023, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट वीक ऑफ जून 2023, अगर मई की डेट किसी बड़े एग्जाम से क्लैश करती है तो। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, आपको बताइए अगर आप एडेड होना चाहते हैं तो अपना नेम, अपना एड्रेस और अपना सब्जेक्ट आप हमें लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। प्लीज कॉल ना करें, व्हाट्सएप कर दें, हम आपको ऐड कर देंगे। एक सवाल जो सर्वाधिक बार पूछा जा रहा है कि सर मार्क्स कब रिलीज होंगे, कौन से मार्क्स? जो HCS 2021 के प्री के डिस्क्वालिफायर हैं, भी वो कितने नंबर से रह गए थे, और मेंस के डिस्क्वालिफायर हैं जो किसी वजह से इंटरव्यू नहीं दे सके थे, यानी कि इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो सके थे। आज इस बात को बहुत समय हो गया, हरियाणा सिविल सर्विस के SDM साहब को मुख्यमंत्री जी ने बुला के उनके साथ जो लंच वगैरह का जो प्रोसीजर होता है उसको भी पूरा कर लिया, अब इनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो रही है। लेकिन HPSC ने जो अपना हिडन नेचर है वो बरकरार रखते हुए अभी तक मार्क्स रिलीज नहीं किए हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मार्क्स कब जारी होंगे, तो हमने जो सूचना प्राप्त की है उसके हिसाब से जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, आगामी सप्ताह में किसी भी वर्किंग डे को नेक्स्ट वीक को 2021 के मार्क्स जारी होंगे। और चूंकि HPSC PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके काफ़ी कुछ तैयारी कर रहे हैं, अपने पैटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे को सूचना प्राप्त हुई है कि HCS प्री की डेट भी नेक्स्ट मंथ तक अनाउंस कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, आगामी 15 दिनों के अंदर अंदर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक वो इसकी डेट है वो अनाउंस कर देंगे, कर दें नेक्स्ट वीक में ही, 20 से लेकर 27 वाले में, लेकिन एटलीस्ट उसके बाद अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है तब तक उसकी डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। तो आप एग्जाम की तैयारी फुल फ्लैश कीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार की डिलाई ना रखिए। अगर आपका मोरल डाउन होता है, स्पीड ब्रेक होती है, तो आप एक चीज दिमाग में जरूर रखिएगा कि लगभग लगभग 1.5 लाख प्लस बच्चे हैं जो एग्जाम में अपीयर होंगे इस बार, लाख मान लो, लाख सवा लाख के करीब, उनमें आपको टॉप 1200 बच्चों के अंदर आना है, और वो बच्चे होंगे जो UPSC प्रीलिमिनरी का एग्जाम जस्ट दे के आएंगे उस मई महीने में, और उनको जो पैटर्न दिया जा रहा है HPSC का वो UPSC को फॉलो करने वाला पैटर्न है, यानी उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो आपको अगर इन 1200 बच्चों में आना है तो आपको किस तरह की तैयारी करनी है ये आप जरूर सोच के रखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा जो है वो जरूर आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, बजट को अच्छे से पढ़ लें। UPSC के जो लास्ट 2 सालों के पेपर हैं आप प्लीज़ उन पेपर को अच्छे से लगा लीजिए, उन पेपर में जो जो टॉपिक पूछे गए हैं उन टॉपिकों पे आप अच्छे अच्छे सवाल, पूरा उन टॉपिक को डिटेल से देख लीजिए, क्योंकि HPSC है वो एक सवाल में 4 सवाल पूछने की मंशा से काम करती है कि 4 फैक्ट दे दिए, इन 4ों में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जिसका आपको पूरा A to Z पता होगा आप उसी में वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है, इस बार 5th सर्किल ना भरने वालों को भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन कर दिया गया है, तो वो भी अपने आप में एक समस्या होगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपकी तैयारी को इफेक्ट करेंगी। तो आप मार्क्स डिस्क्लोज होते ही नई डेट आ जाएगी एग्जाम की और आप उसकी तैयारी में जुट जाइए। चैनल से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिए, दिशा क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऑथेंटिक और आगामी अपडेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। उम्मीद है आपके काफ़ी सारे क्वेरीज दूर हुई होंगी, फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।